बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। और आज मैं आपके लिए बहुत मज़ेदार सी दोबारा से एक रेसिपी लिख रही हूँ। आज हम बना रहे हैं कीमा लुबिया। और कीमा लुबिया एक बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी रेसिपी है, डिश है, जो कि आप लंच में लेके जाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप लंच में खा सकते हैं, रात के खाने में, दावतों में भी रख सकते हैं। इसलिए कि इसमें एक तो पल्सेज है, यानी कि दालें हैं, यानी कि लूबिया, और जो कि फुल ऑफ प्रोटीन, और साथ में जो है गोश है, चिकन का ले सकते हैं, कीमा जो भी आप के पास अवेलेबल है, चाहे वो बीफ हो या मटन हो। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे हमने क्या किया है जी, मेरा जो एक आजमूदा फार्मूला है वो ये है कि प्याज को बहुत अच्छा सा कैसे फ्राई करें, प्याज को और तेल को डालने के बाद और कवर कर दें बस, उसके बाद स्लो आंच पे। थोड़ी देर बाद आप जब देखेंगे तो जी प्याज ब्राउन हो चुकी होगी, लेकिन ऐसा ना हो कि जल जाए, तो इसलिए गाहे बगाहे चेक करते हैं। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे, शामिल करेंगे जी छोटी इलायची, बादियान के फूल, जावित्री, और साथ में बड़ी इलायची, काली मिर्च और दालचीनी। ये 6 होल स्पाइस हैं जो कि बहुत कम मकदार में जाएंगे, लेकिन प्याज जब फ्राई हो रही हो उस वक्त ही इसको शामिल करना है, ताकि खुशबू जो है वो निकल के और शामिल हो जाए प्याज और तेल में। जब प्याज और तेल में खुशबू शामिल हो जाएगी, तो जो भी चीज़ आप शामिल करेंगे, गोश्त या मटन या बीफ या जो भी, या दालों के साथ अगर इसको बना रहे हैं, सिर्फ कीमा ना ऐड करें, लेकिन हम क्योंकि कीमा और लूबिया बना रहे हैं तो उसी तरह से फिर शामिल करेंगे, लेकिन ये फ्लेवर जो है ना दाल के साथ भी बहुत अच्छा लगेगा, और सिर्फ गोश्त के साथ भी। अब उसमें शामिल कर दिया मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा पानी शामिल किया ताकि जल ना जाए, उसके अलावा धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च का पाउडर शामिल कर रही हूँ। और पानी इसलिए शामिल करना पड़ा कि थोड़ा सा अगर जल रहा हो, खदशा हो, तो पाउडर स्पाइस जाएंगे, तो फिर यह है कि जले ना, बच जाए। उसके अलावा थोड़ी सी कूटी मिर्च भी शामिल की है। ये तमाम मसाला जात अपने हिसाब से और अपने जायके के हिसाब से शामिल कर सकते हैं। ये ख्याल रहे कि जो धनिया पाउडर है उसकी मकदार अगर 1 टेबल स्पून है, तो हल्दी पाउडर आधा टेबल स्पून होती है और उससे भी कम, और मिर्च जो है वो अपने स्पाइस के हिसाब से आधा या 1 टीस्पून डाल सकते हैं। उसके बाद इसमें शामिल कर दिया है लोबिया, जो कि सिर्फ भीगा हुआ है, यानी कि सोख था, और भीगे हुए लोबिया को जो है मैंने गलाना है, यानी कि कच्चा है। और कीमा आपको पता है कि भूनना पड़ता है, कीमे को गलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन भूनना पड़ता है, उसकी रॉ स्मेल ख़त्म करनी पड़ती है, कच्चापन ख़त्म करना पड़ता है। तो अब यहाँ पे जब लूबिया आधा गल गया था, तो उसके बाद मैंने शामिल किया है इसमें कीमा, जो कि चिकन का है, वॉश्ड है, धो लिया है मैंने दोबारा से। वैसे मैं जब इसको कीमा बनवाती हूँ तो गोश्त को धो के और उसके बाद कीमा बनवाती हूँ। तो चाहें तो आप कवर करके गाहे बगाहे पका सकते हैं, और चाहें तो उसको खुला भी पका सकते हैं, खुले बर्तन में ढक के ना पकाएं, लेकिन मैं गाय बगाए इसको ढकती रही हूँ। वीडियो में एडिट करने में जो है वो मैंने कट कर दिया कि आपको कन्फ्यूज़न ना आ जाए। तो उसके बाद फिर नमक शामिल कर दिया है, और अब इसको भून लेना है, जो कि गोश्त को और लोबिया को दोनों को मिक्स करके, क्योंकि लोबिया जो है वो भी थोड़ा सा भुना जाएगा, कच्चा है, और साथ में जो गोश्त है उसकी कच्चापन, जो एक बदबू होती है कच्चेपन की, वो ख़त्म करनी है। तो अब देखें, ये भुन गया है, थोड़ा सा कवर कर दिया, तो इसमें अच्छा सा कलर आ गया है। अब इसमें शामिल कर दिया टमाटर का पेस्ट, और टमाटर का पेस्ट शामिल करने के बाद बहुत अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। टमाटर का अपना पानी होता है, इसमें शामिल किया है पेपरिका पाउडर, ताकि और कलर इन्हांस हो जाए, और कलर खूबसूरत तरीन हो जाए, माशाल्लाह। और पानी जो मैंने शामिल किया था ना, वो उतना ही शामिल किया था जो कि सबसे पहले शामिल किया था, ताकि प्याज ना जले, उसके अलावा नहीं शामिल किया। गोश्त का अपना पानी था, और साथ साथ जी टमाटर का पेस्ट का पानी था, जो कि पीसा था पानी, जिसमें उतना उतना गर्म मसाला शामिल कर दिया है। अब चूल्हा बंद कर देंगे, हरी मिर्च शामिल करेंगे, और हरा धनिया कवर कर देंगे, तकरीबन 2 मिनट के लिए कवर करके ज़रूर रखा करें, उसके बाद डिश आउट किया करें। तो ये जी बहुत मज़ेदार सा और फुल ऑफ प्रोटीन, फुल ऑफ हेल्दी डिश जो है वो तैयार है, जो कि है लूबिया कीमा की। पराठों के साथ ज़रूर ट्राई किया करें इन रेसिपीज़ को, जो कि ड्राई होती हैं, और बहुत इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। और मुझे फिर दुआ देंगे कि एक अच्छी सी रेसिपी आपके साथ शेयर की मैंने। अल्लाह ताला आपका और मेरा दस्तखान हमेशा सलामत रखे, और हम सबको शादोआबाद रखे। और जी ये है प्लेटिंग, यानी कि प्लेट, जो कि है मेरे लंच के खाने की, यानी कि दोपहर के खाने की, जिसमें है थोड़ा सा चुकंदर का अचार जो मैंने बनाया था, अमरूद थोड़े से कट कर लिए हैं क्योंकि दोपहर का वक्त है, और मुझे इस तरह से अमरूद खाना बहुत पसंद।